मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर यहाँ रोडवेज बस स्टेशन बनाने की मांग किया और वो पहल मेरी अच्छी रही। पब्लिसिटी बटोरने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? नहीं, पब्लिसिटी तो आप लोगों ने कल ही दे दिया मुझे। मुझे कभी नेता ना कहिएगा, कार्यकर्ता कहिएगा। हाँ, कार्यकर्ता में थोड़ा बड़ा कार्यकर्ता कहिएगा, वो ठीक है, लेकिन नेता शब्द मत लगाइए। नेता का मतलब होता है बोलो कुछ, करो कुछ और हो जाए कुछ। जिस तरह से आपने रोडवेज का मुद्दा उठाया है, लगातार आप लहरपुर को लेकर के सक्रिय हैं। आपकी सक्रियता को देखते हुए अब जनता जो है वो ये कयास लगा रही है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या हकीकत में ऐसा माना जाए? कहते हैं ना, इस गाड़ी के आगे वोट लगा दो, तो वोट मतलब लग गया, वहाँ विकास उकास सब हो गया ठप। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, राजेश खन्ना से लेकर यहाँ तक कि जया प्रदा जी, रेखा जी से लेकर सब अभिनेता से नेता बन गए। संग्राम सिंह जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को देख करके तो यही लग रहा है कि संग्राम सिंह 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है, संग्राम सिंह जानता है और संग्राम सिंह नाम के लिए मर रहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। अगर जनता आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का 2027 विधानसभा या इसके अलावा, तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? लहरपुर विधानसभा का एक कस्बा है तंबौर, जो आदर्श नगर पंचायत है। आपने लहरपुर के कई मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। उसमें तंबौर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, क्या माना जाए? तंबौर का नाम नहीं है उसमें, तंबौर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है? नहीं। जिस तरह से आपने रोडवेज बस स्टैंड का मुद्दा उठाया है लहरपुर को लेकर, इसी तरह से यहाँ के निवासी, यहाँ के रहने वाले हैं सपा MLC सदन उपनेता प्रतिपक्ष जासमीर अंसारी जी, उन्होंने भी रोडवेज बस स्टैंड को लेकर के सदन में अभी मुद्दा उठाया था। अगर हकीकतन यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण हो जाता है और बसें यहाँ से चालू हो जाती हैं, संचालित हो जाती हैं, तो इसका क्रेडिट संग्राम सिंह पटेल लेंगे या जासमीर अंसारी? इस खबर के प्रायोजक हैं अल्फहद टूरिज्म लखनऊ, जहाँ मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं उमराह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएँ, जैसे 50,000 रुपये में उमराह करें और करबला, बगदाद, तुर्की जैसी जगहों की ज़ियारत। तो इन मशहूर जगहों की ज़ियारत करने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। वहीं हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। साथ ही हमारा दूसरा पता है निकट चरक हॉस्पिटल, सफ़ेद मस्जिद, हरदोई रोड, दुबग्गा, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव TV। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के लहरपुर कस्बे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनता जनार्दन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भोजपुरी अभिनेता संग्राम सिंह पटेल जी, जिनसे हम कई अहम मुद्दों पर बारी बारी से बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इन्होंने लहरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव TV में, संग्राम सिंह पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद नफीस भाई, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम सभी जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको नमस्कार करते हैं। आज जो आपने लहरपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्योंकि आप लोगों से एक लगाव है और आप लोगों से एक दिल लगी भी हो गई है, तो एक हम सोचा कि आज बुलाए भी, क्योंकि आप लोगों ने कल बड़ी प्राथमिकता से मेरे एक न्यूज़ को छापा और बड़े अच्छे ढंग से कवरेज भी किया, जबकि मैंने किसी से बोला नहीं था कि इस मेरे न्यूज़ को छापिए या मेरे न्यूज़ को चलाइए, लेकिन आप लोगों ने अपने दायित्व का पूरा निर्वहन किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो हमने मुद्दा उठाया परिवहन का पहले, कि यहाँ पर रोडवेज बस स्टेशन नहीं है, और उस मुद्दे को उठाया और उसको आप लोगों ने प्राथमिकता से छापा, उसके लिए मैं यहाँ पर आज सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक कर लिया जाए। पब्लिसिटी बटोरने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? नहीं, पब्लिसिटी तो आप लोगों ने कल ही दे दिया मुझे, सारे पेपरों में है, करीब 10 तो हमने देखा कि आपके प्रिंट मीडिया में है और करीब करीब सारे न्यूज़ चैनलों पर है, तो पब्लिसिटी आप लोगों ने हमको पहले ही दे दिया, तो हम उसके लिए तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। ये तो एक हम मिलने का बहाना कि आप लोग जुटिए। जो ये रोडवेज बस स्टैंड का आपने मुद्दा उठाया है, ये आपके खुद दिमाग में आया या फिर किसी ने आपको ये रास्ता बताया, किस रास्ते पे चलिए जिससे कि आपको भविष्य में बेनिफिट मिलेगा? देखिए, मैं लहरपुर से काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा और लहरपुर की आवाज़ बन गई,
कि रोडवेज बस अड्डा, काफ़ी लोगों ने हमसे कहा यहाँ की जनता ने। तो मैंने सोचा कि अगर मैं राष्ट्रीय जनता जनार्दन मंच का अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी मुझे एक महीना हुआ बने, तो क्यों ना मैं पहला मुद्दा लहरपुर की ही उठाऊं। तो मैंने यहाँ की जो समस्या सोचा कि रोडवेज का, तो पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर यहाँ रोडवेज बस स्टेशन बनाने की मांग किया, और वो पहल मेरी अच्छी रही। और देखिए उसकी आख्या बहुत जल्द शासन पहुँच जाएगी, उसी हिसाब से यहाँ बस स्टेशन का निर्माण भी बहुत जल्द होगा। आपने जो ये रोडवेज बस स्टैंड का मुद्दा उठाया है, जो आपने मांग की है, ये आपने डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के मांग की है या फिर आपने किसी नेता के माध्यम से मांगी? ना ना ना, मैंने बताया ना कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे ऊपर कभी, मैं आप सभी मीडिया बंधु से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे कभी नेता ना कहिएगा, कार्यकर्ता कहिएगा। हाँ, कार्यकर्ता में थोड़ा बड़ा कार्यकर्ता कहिएगा, वो ठीक है, लेकिन नेता शब्द मत लगाइए। नेता का मतलब होता है बोलो कुछ, करो कुछ और हो जाए कुछ। और राजनीति जो नीति ही धोखे पे आधारित हो, कहते ना इस चीज़ में राज है, तो जो नीति ही धोखे पर आधारित हो वही राजनीति है। और वोट, कहते ना इस गाड़ी के आगे वोट लगा दो, तो वोट मतलब लग गया वहाँ विकास उकास सब हो गया ठप, क्योंकि तब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाषा धर्म ये सब, आज विकास इसी नाते धीमी हो गई। आज लहरपुर की मैं जो समस्या मैं देख रहा हूँ, चाहे बिजली का, चाहे रोडवेज का, चाहे डिग्री कॉलेज का, तमाम समस्या मैं देख रहा हूँ, तो ये राजनीति का ही शिकार है। जिस तरह से आपने रोडवेज का मुद्दा उठाया है, लगातार आप लहरपुर को लेकर के सक्रिय हैं, आपकी सक्रियता को देखते हुए अब जनता जो है वो ये कयास लगा रही है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या हकीकत में ऐसा माना जाए? देखिए, कोई असंभव थोड़ी ना हो सकता है। हमने भी बताया कि सुनील दत्त साहब क्या थे, बॉलीवुड अभिनेता टॉप क्लास, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, राजेश खन्ना से लेकर यहाँ तक कि जयाप्रदा जी, रेखा जी से लेकर सब अभिनेता से नेता बन गए। भोजपुरी में आप उठा के देखेंगे तो रवि किशन जी हमारे बड़े भाई हैं, दिनेश लाल यादव जी बड़े भैया हैं, मनोज तिवारी जी बड़े भैया, सब अभिनेता से नेता बन गए। तो संग्राम सिंह तो नेता कह नहीं रहा बनने का, ये कह रहा है कि अभिनेता से कार्यकर्ता बन जाऊं, बड़ा कार्यकर्ता बन जाऊं, ये मैं चाह रहा हूं। लेकिन संग्राम सिंह जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को देख करके तो यही लग रहा है कि संग्राम सिंह 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं कुछ कह सकते। मेरे एक जन भावना जनता जनार्दन मंच हमने बनाया, तो उस पर कुछ सोशल एक्टिविटी भी होना चाहिए। तो अब जनता की मांग, आज हम यहाँ पर लहरपुर के जनता जनार्दन के बीच में लोकप्रियता मेरी बढ़ती जा रही है, लोग हर हफ्ते मुझे, पब्लिक तो ये चाह रही कि संग्राम सिंह यहीं रहे, हकीकत बता रहे हैं, ये मांग होने लगी। और उसके अवैज में मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत जल्द हमको निर्माण कुछ ना कुछ घर का भी कराना पड़ेगा। क्यों, आपने निर्माण करा तो दिया? नहीं, अभी निर्माण क्या, अभी तो एक हमने फार्म हाउस टाइप का एक जमीन लिया, लेकिन निर्माण भी कहीं ना कहीं बहुत जल्द होगा, ये जनता की मांग है यहाँ की। और जनता जनार्दन की अगर मांग है तो निर्माण भी होगा। लेकिन अभी आप ये कहिए कि मैं विधानसभा के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है, संग्राम सिंह जानता है, और संग्राम सिंह नाम के लिए मर रहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर, यहाँ सिर्फ नाम ही रह जाता है। आप महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से पहले उठा के इतिहास देख ले, रामकृष्ण, गौतम बुद्ध से लेकर जो भी आए, ये गुजरे हुए इंसान ही थे, आज भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर सबको उठा देखेंगे, सब पूजे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे समाज को उठाने का काम किया। तो संग्राम सिंह आज सबके दिलों पर राज कर रहा, मेरे ऊपर कोई जातीय ठप्पा नहीं है। मैं, मुझे जितना मुस्लिम प्यार दे रही है, उतने कुर्मी दे रहे हैं, उतने ब्राह्मण दे रहे हैं, उतने क्षत्रिय भाई, देखे मेरे साथ बड़े भाई खड़े हैं, तो सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, और यही अच्छा लगता है। क्योंकि जब प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सब मम प्रियम सब उपजाए, और तिनम ही मोह मनु जेति भाए, सब मेरे प्रिय है, सब मेरे पैदा किए हुए, और मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है। तो उन्होंने जात पात भाषा धर्म का कोई बातें नहीं किया, लेकिन कुछ लोग राम का नाम है लेके बदनाम कर रहे हैं, तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। संग्राम सिंह जो काम कर रहा है जन भावना के तहत और पूरी जनता जनार्दन के लिए। जिस तरह से आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं, आप पहुँच रहे हैं, आपने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने लहरपुर के कोई कुछ और मुद्दे हैं जिनको लेकर भी आपने पत्र सौंपे हैं मुख्यमंत्री जी को। मैंने पहले दिन ही रोडवेज का दिया, दूसरे दिन फिर मुझे जब ये देखे लोगों ने समस्या बताया कि यहाँ स्टेडियम नहीं है,
तो स्टेडियम की भी मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया कार्यालय में और उसकी भी आख्या बहुत जल्द जा रही है। तीसरा, सरदार पटेल जी की मूर्ति की बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि यहाँ कुर्मी बिरादरी की संख्या बहुत अच्छी संख्या है, लोगों की मांग थी। जैसे जिसकी मांग आती रहेगी संग्राम सिंह उसके लिए तत्पर है लड़ाई लड़ने लिए। सरदार पटेल जी की मूर्ति के लिए जमीन का पेपर आ चुका है यहाँ के SDM साहब को, तहसीलदार को, मेरा पत्र पहुँच भी गया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी वाला, और इन लोगों को बहुत जल्द जमीन चिन्हांकित करके आख्या भेजना है। अगर जनता आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का 2027 विधानसभा या इसके अलावा, तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, हमने बताया ना, पार्टी मतलब होता है पार्ट कर देने वाला। हर दिलों में आज पार्ट बना दिया किसने? पार्टियों ने। तो संग्राम सिंह वो चीज़ नहीं देखना चाहता कि हर दिलों में जो पार्ट बना दिया हो, कोई हिंदू की बात कर रहा, कोई मुस्लिम की बात कर रहा, कोई भाषा की बात कर रहा, कोई धर्म की बात कर रहा है। तो हम जो विकास पर, जो जनता की विकास का बात करेगा सबसे ज़्यादा, मैं उसी के साथ जाऊँगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी जनता जनार्दन का जैसा मेरा बताया ना कि जैसा जनता जनार्दन कहेगी, हमारी जनता कहेगी लहरपुर की, मैं वैसा ही करूँगा। कोई पार्टी का ना कोई मेरा मतलब है ना कोई, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक अभिनेता हूँ। मेरा जो दायित्व है, मेरा जो कर्म है, जो मेरा फर्ज है, वो कर रहा हूँ। लहरपुर विधानसभा का एक कस्बा है तंबौर, जो आदर्श नगर पंचायत है। आपने लहरपुर के कई मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। जी, जी। उसमें तंबौर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, क्या माना जाए? तंबौर का नाम नहीं है उसमें, तंबौर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं? नहीं, नहीं, तंबौर का भी जिक्र आएगा। पहले हमको यहाँ का एक लड़ाई जंग जीतने दीजिए, क्योंकि लहरपुर, अगर लहरपुर के अंतर्गत तंबौर भी आ रहा है तो उसका भी विकास होगा। पहले मुझे लहरपुर के एक यहाँ पहली सीढ़ी, यहाँ घुसते ही लोग हमको घेरते हैं, तो पहले यहाँ समाप्त कर दें, फिर तंबौर भी बढ़ रहे हैं। तंबौर की भी कोई भी जो समस्या रहेगी, सबसे बड़ी तो वहाँ मुझे देखता हूँ बाढ़ की समस्या। बाढ़ग्रस्त एरिया है, तमाम घर मेरे सामने, मैं देखता हूँ वीडियो में, तो तमाम घर गिरे रहते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उसको पहले सही कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो अगला सीजन आए बारिश का, उसके पहले वहाँ काफ़ी सुधार हो जाए। और बचा, आप बस स्टेशन की मांग कर रहे हैं, तो भविष्य में वो भी देखा जाएगा। स्टेडियम की मांग के लिए तो मैं बहुत जल्द मिलूँगा, आपने आज बता दिया, तो स्टेडियम भी आपके, जान लीजिए, कल नहीं परसों तक CM ऑफिस तक मेरा लेटर रहेगा। तंबौर का? तंबौर का भी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। आपको लेटर, आपको लेटर की कापी दूंगा तंबौर में स्टेडियम की। आखिरी प्रश्न मेरा यह है जी, कि जिस तरह से आपने रोडवेज बस स्टैंड का मुद्दा उठाया है लहरपुर को लेकर, इसी तरह से यहाँ के निवासी, यहाँ के रहने वाले हैं, सपा MLC सदन उपनेता प्रतिपक्ष जी जासमीर अंसारी जी, उन्होंने भी रोडवेज बस स्टैंड को लेकर के सदन में अभी मुद्दा उठाया था बीते कुछ दिनों पहले। अगर हकीकतन यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण हो जाता है और बसें यहाँ से चालू हो जाती हैं, संचालित हो जाती हैं, तो इसका क्रेडिट संग्राम सिंह पटेल लेंगे या जासमीर अंसारी? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं जासमीर अंसारी जी, और नेता सदन, उपनेता हैं सदन के, समाजवादी पार्टी के। और भाई, उन्होंने मुद्दा उठाया क्योंकि क्षेत्र से काफ़ी उन्होंने विकास किया है। मुझे जो सुनने में जनता ये भी कहती है कि उन्होंने काफ़ी विकास भी किया, लेकिन अब क्योंकि सत्ता में है नहीं और जो सरकार है वो द्वेष भावना से काम करती है, वो चाहे आज भाजपा की सरकार है तो सपा वालों काम नहीं होगा, कल भाजपा सपा की सरकार बनेगी तो भाजपा वालों काम नहीं होगा, ये भावना बड़ी गंदी होती जा रही है। आज जासमीर भाई की बात हो सकता हो सदन में उठाए हो, ना सुना जा रहा हो, लेकिन संग्राम सिंह किसी पार्टी से तो जुड़ा है नहीं। अभी मैं एक क्या हूँ, सामाजिक संस्था का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी बात को जरूर सुना जाएगा और उसके लिए मुझे आश्वासन भी मिला है। और मैं उस कागज, ऐसा नहीं कागज चला दिया तो छोड़ दिया, उस कागज के पीछे पीछे संग्राम सिंह पटेल दौड़ता जाएगा और उस काम को कराने के लिए पूरी कोशिश करेगा। संग्राम सिंह पटेल जो है वो रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण करा के रहेंगे लहरपुर में? एकदम पूरा पूरा, एक एक चीज आपको हम एक एक कापी पहुंचाएंगे, कैसे क्या हो रहा है, कैसे कब हुआ, कैसे नहीं हो रहा है, क्या कारण बन रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश 100% रहेगा कि यहाँ रोडवेज बस का निर्माण हो। तो ये हमारे साथ भोजपुरी अभिनेता संग्राम सिंह पटेल जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दे रहे थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव
लड़ूंगा, लेकिन वो भी एक शर्त होगी, क्योंकि यहाँ की अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी, प्यार देगी, और अगर वो जनता चुनाव लड़ाने के लिए तैयार होगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद तौफीक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी सीतापुर।